मैं तो सभी पेड़ प्रदेशवासियों को अपनी ओर से इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से चौधरी देवीलाल की इस पावन धरती हरियाणा प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि इसी तरह हरियाणा प्रदेश पूरा फूलता फलता रहे, आगे बढ़ता रहे और उन्नति की ओर जाए। जहाँ जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का नमन करते हैं, युवा इंडियन नेशनल लोकदल इनसो और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और हरियाणा प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में T20 मैच सिरसा की इस पावन धरती पर कर रही है और साथ के साथ वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट हमने 15 तारीख को शुरू किया था, कल चौटाला गाँव में उसका समापन भी किया जाएगा, जिसके अंदर पूरे प्रदेश की लगभग 200 से ऊपर टीमों ने भाग लिया और 200 टीमों में अगर 12-12 युवा खिलाड़ी भी हम देखें तो आप मानकर 2400 युवा खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाने का काम किया। तो जहां युवाओं की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रदेश के अंदर संदेश भेज रहे हैं कि युवा प्रदेश होने के नाते हमें युवाओं को एकजुट करने का काम किया। देखिए, जहाँ सरकार की हम बात करते हैं, सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी मगर आज स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हिस्सा जो प्रदेश का था वो किसान था। इस सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो किसानों के प्रति अच्छा हो, पूरे देश के अंदर एक अलग मैसेज भेजे। आज तो अगर मुख्यमंत्री को कोई कदम उठाना चाहिए तो स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किसानों को सबसे पहले उनका कर्ज माफ़ करना चाहिए था, इस कठित परिस्थिति के अंदर उनको मजबूती देने का काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सरकार ने केवल मात्र अपना इन्वेस्टमेंट जो थी, अपना जो ध्यान था वो केवल मात्र प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए एक 3 घंटे के शो में करने का काम किया। देखिए, बहुत अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो हम और प्रदेशों से देख सकते हैं, जान सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि सरकार का सिर्फ मात्र ध्यान आज भगवाकरण पर है। सरकार का पूरा ध्यान केवल मात्र इस बड़े शो को अरेंज करने में।